नीतीश जी भी इसके गवाह है कि कैसे बिहार समेत पूर्वी भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। विशेषकर हमारी सरकार इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने पर भी बहुत जोर दे रही है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए इन इलाकों में हाईवे, रेलवे, वाटरवे, हाईवे, इन सभी का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज लगभग 900 करोड़ रुपयों के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। औरंगाबाद से चौरदहा का जो सेक्शन अभी 4 लेन का है, उसे 6 लेन बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। ये प्रोजेक्ट बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह चंपारण के लिए 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुजफ्फर सुगौली और सुगौली वाल्मीकि नगर सेक्शन की डबलिंग की जाएगी। इससे ना सिर्फ चंपारण के लोगों को लाभ होगा, बल्कि यूपी से लेकर नेपाल तक के लोगों का सफर और व्यापार और अधिक आसान हो जाएगा। साथियों, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष के अवसर पर मुझे एक नई ट्रेन का शुभारंभ करने का भी आज अवसर मिला है। ये ट्रेन कटिहार से पुरानी दिल्ली तक चला करेगी। सरकार ने इसका नाम विशेष रूप से चंपारण हम सफर एक्सप्रेस रखा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिल्ली आने जाने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। भाइयों और बहनों, आज मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के फेज 1 का भी लोकार्पण किया गया है। ये फैक्ट्री 2 कारणों से अहम है। एक तो ये मेक इन इंडिया का उत्तम उदाहरण है, दूसरा ये इस क्षेत्र में रोजगार को भी बड़ा माध्यम बन रहा है। भारतीय रेल फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस फैक्ट्री में शक्तिशाली इंजन तैयार होंगे। इस आधुनिक फैक्ट्री में बने 12,000 हॉर्स पावर वाले पहले इंजन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य अभी अभी मुझे मिला है। साथियों, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां माल ढुलाई के लिए इतने पावरफुल इंजन इस्तेमाल करते हैं। इन इंजनों से भारत की मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और वजह से, जिसकी वजह से मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, इस प्रोजेक्ट को 2007 में मंजूरी दी गई थी। मंजूरी के बाद 8 साल तक इसकी फाइलों को पावर नहीं आ पाई, फाइलें सड़ती रही। 3 साल पहले एनडीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया और अब पहला फेज पूरा भी कर दिया गया है।